हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप सब ठीक ही होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं आज मैं घर में हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए, पढ़ाई के साथ मेरा कुछ होमवर्क है तो मैं आज कॉलेज नहीं गई हूँ, तो मैं अपने घर में हूँ। तो दोस्तों, देखिए, अभी बाहर मेरी बड़ी मम्मी सोई है धूप में। अभी ठंडी का मौसम है इसलिए घर में ठंड लगती है, इसलिए बाहर सोई है। तो आपको मैं ऐसी कोई सी ट्रिप बताने वाली हूँ जैसे कि आप पैसे बचा सकते हो और टाइम भी बचा सकते हो। तो दोस्तों, मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या ट्रिप्स बता रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप मेरी वीडियो लास्ट तक पूरा देखिएगा। ये देखिए, सदा आपके घर में ऐसी बॉटल होगी स्प्रे करने की या कुछ भी, तो आप तैयार भी कर सकते हैं। आपको बता दूंगी कि मैं ऐसे कैसे बनाया जाता है। तो मैं अपने, ये देखिए, वाटरप्रूफ ये सादा पानी है। तो जैसे कि आपके घर में कोई आपके शीशा में शीशा ख़राब हुआ होगा या उसमें धुंधला हो गया या अच्छे से क्लीन नहीं दिखता होगा, तो उसको मैं आपको घर में, ये देखिए, घर में ये सादा वाटर डाल दिया इसमें। तो वाटर अभी डाल दिया तो ऐसा एक टिश्यू पेपर होगा। तो आपके घर में अभी पैसे बचने के लिए उपाय बता रही हूँ, घर में टिप्स। तो आपके घर में कोई शीशा होगा तो ये देखिए वहाँ पर धुंधला, और ये देखिए कैसे डार्क फेस है। तो ये हटाने के लिए आपको, ये मैं आपको टिप्स बता देती हूँ। ये देखिए आईना है, तो इस पर छोटा सा थोड़ा थोड़ा स्प्रे करके सादे पानी से आप इसे साफ कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखिए अभी इसको सादा पानी मैंने इसमें डाल दिया है। तो इसको आपके घर में ऐसा कोई टिश्यू पेपर होगा, ये देखिए न्यूज़पेपर, तो आप इसे अच्छी तरह से इसको साफ कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्लीन हो जाएगा और आपका टाइम और पैसे भी बच जाएंगे। तो आप इसे अच्छे से रैप करके, ये देखिए अभी इसको अच्छे से, ये देखिए अच्छे इसको अभी साफ कर सकते हैं। तो ये देखिए अच्छे से अभी मैं इसको भी अच्छे से साफ कर रही हूँ और आपका टाइम भी और आपके पैसे भी बच जाएंगे। टिश्यू पेपर से अभी इसको अच्छे से एक क्लीन हो जाएगा, इसमें धुंधला जैसा भी हो जाएगा अभी, ये देखिए सारे पानी से अभी, तो ये भी साफ हो जाएगा। तो ये देखिए क्लीन आपका, ये सादा सा टिप्स। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप अपने घर में भी कर सकते हैं और किसी को बता भी सकते हैं। दोस्तों, ये देखिए अभी आईना भी क्लीन हो गया है। ये देखिए ऐसा आप घर में भी ये टिप्स ये कर सकते हैं, आपके पैसे भी बच जाएंगे और टाइम भी बच जाएगा। तो ये देखिए, ये मेरा आईना क्लीन हो गया है। ये देखिए अभी, ये देखिए कितने अच्छे से अभी ये क्लीन हो गया है। ये देखिए कितना धुंधला और कितना इस पर धूल बैठा जमा हो गया था। ये देखिए धूल भी कितना जमा हो गया था यहाँ पे। ये देखिए कितना क्लीन दिख रहा है। दोस्तों, देखिए अभी कितना क्लीन, आप ये घर बैठे ये सादा उपाय है तो ये भी ट्राई करके आप देख लेना। ये बहुत ही, ये देखिए क्लीन हो गया आईना। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए कितना क्लीन दिख रहा है। उसमें देखिए, ये देखिए कितना क्लीन हो चुका है। टिश्यू पेपर से ऐसे न्यूज़पेपर में आपके घर में, ये देखिए वाइट वाइट धूल सा, तो इसको अच्छे से रैप करके, ये देखिए अच्छे से इसको क्लीन हो गया है। तो ये देखिए घरगुती ट्रिप्स। और ये दूसरा टिप्स बता रही हूँ, ये देखिए मेरा घर का झाड़ू है, आंगन झाड़ने का। तो दोस्तों, ये देखिए आपको मैं दूसरा टिप्स बता रही हूँ। ये जैसे रस्सी हम बांध लेते हैं तो ये सूट जाती है या निकल जाती है। तो आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया टिप्स बताने वाली हूँ घरगुती। ये देखिए अभी ये झाड़ू है अभी हमारे घर का, तो आप कौन सा भी झाड़ू, घर में झाड़ू लगाने वाला झाड़ू ले सकते हैं ये, लेकिन बाहर का भी। तो हमारे घर में अभी घर में बाहर में झाड़ू लगाने के लिए ये निकल जाता है, छूट जाता है, इसलिए मैं आपको बढ़िया सा उपाय बता देती हूँ। एक देखिए एक बॉटल है, तो बॉटल में अभी इसको कट करके यहाँ से इसके हिसाब से लेके अभी इसको कट करके अभी यहाँ पे आपको दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने अभी इसको गर्म कर दिया है, यहाँ से मैं कट कर दूंगी। आपके घर दोस्तों, आपके घर गैस पे होंगे ही, तो ये गैस पे इसको गर्म कर लेती हूँ। आपके पास कुछ गर्म एक कट करने के लिए होगा तो अभी इसको मैं गर्म करके, मेरे घर में अभी चक्कू है तो चक्कू से इसको कट कर दूंगी इसके हिसाब से। अभी ये देखिए अभी इसको मैं गर्म करके अभी इसको इससे कट कर देती हूँ, इसका मेजरमेंट करके आपके घर में। उम्मीद करती हूँ आपके घर में तो गैस होगी ही, तो अभी इसको गर्म करके, ये देखिए अभी इसको कट कर लेती हूँ इस बॉटल को। देखिए तो उसमें भी अभी इसको अच्छी तरह से गर्म कर लेती हूँ।
देखिए अभी इसको गरम कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने ये कट कर दिया, तो इसे देखिए इस साइड से मैंने इसको कट कर दिया है। तो ये देखिए बोतल अभी इसको कट कर दिया। ये देखिए यहाँ पे ये चाकू से अभी इसको भी, ये देखिए अभी इसको भी कट कर दिया है। ये देखिए आपके घर का झाड़ू अभी आप इसमें डाल सकते हैं, आप थोड़ा थोड़ा भी डाल सकते हैं। दूसरे देखिए मैं अभी इस झाड़ू को ऐसे डाल रही हूँ इस बोतल में। देखिए बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसको और से फिर से कट कर देती हूँ। आप हिसाब से कट कर सकते हैं ज़्यादा या कम, मेरे हिसाब से ये ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको चाकू से फिर से ये बड़ा हो जाएगा, ये बोतल बड़ी हो जाएगी। फिर इसको अच्छे से कट कर देती हूँ मैं। ये देखिए अब इस चाकू से फिर से इसको कट कर देती हूँ, ये बड़ी हो जाएगी बोतल। गर्म हो चुकी है चाकू, तो अभी यहाँ पर मैं इसको फिर से कट कर देती हूँ। आप बड़ा या छोटा भी साइज कर सकते हैं इसको। ये देखिए बड़ा हो गया, तो इसको अच्छे से कट कर लेती हूँ। गर्म नहीं हुई है, गर्म हो चुकी है। देखिए बड़ा हो गया था, अरे अच्छे से बोल रहा हूँ। अभी इसको कट कर देते हैं, इसको अच्छे से कट कर दिया मैंने। देखिए कट करके हो गया है। अभी आप इसे देखिए इसे आधे आधे आप डाल सकते हो। देखिए भी यहाँ पे मैंने आधे आधे इसको डाल दिया। देखिए हो गया। अभी इसको अभी आप देखिए यहाँ से आप ऐसे राउंड राउंड करके आप कॉटन से देखिए आपको आप इस कॉटन से ऐसे इसको रैप कर सकते हो। ऐसे देखिए कॉटन से आपके घर टावल होगा या कुछ सूती कपड़ा होगा तो इसे आप रैप कर सकते हो। अभी मैं फिर से इसको देखिए इसको राउंड उसको देखिए अभी देखिए मैंने इसको अच्छे से ये देखिए राउंड गोल साइड दोनों साइड ये देखिए हो चुका है दोस्तों। ये देखिए आप दोस्तों टप भी कर सकते हो। दोस्तों ये देखिए आपको हो गया झाड़ू तैयार।
ऐसे देखिए मैंने झाड़ू तैयार कर दिया है। देखो ऐसे ऐसे जैसे आप ऐसे देखिए कि गर्म है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये देखिए मेरा झाड़ू बन गया है रेडी। तो दोस्तों ये देखिए आंगन झाड़ने का भी, ये देखिए हमारा आंगन का झाड़ू है। तो मैंने ये फाइनली ये टिप्स, तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरी टिप्स अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्त के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर